अबे यार इतनी खूबसूरत आवाज है इनकी, बोलते कम है लेकिन आवाज इनकी काफी खूबसूरत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ वैस राजपूत। तो आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है, आपने पूरा जरूर देखना है। तो आज मैंने वीडियो देखी थी डायमंड डब की, कि उसका जो सेटअप था वो बहुत ही अच्छा था। उसमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी और वो कह रहे थे कि मैंने जैसे ये हमने अपने पैरट के अंदर पैरट का यहाँ पर लगाया हुआ है, वैसे हमने एक इसके अंदर मटका रखा हुआ था ताकि वो अपनी ब्रीडिंग करें। और मटका रखा हुआ था ताकि वो अपनी ब्रीडिंग करें। तो उसमें ये बताया हुआ था कि वो ऐसे इन मटकों में वो अंडे नहीं देते, उनका खुद कोई और घोंसला बनाना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में उनका न्यू घोंसला बनाएंगे, तो उनका रिएक्शन भी देखने वाला होगा। तो चले फिर आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनका जो नेस्ट बनाना है, मुझे बनाना तो नहीं आता कौन सी मैं चिड़िया हूँ, तो वो लेके आया मटीरियल जो भी यूज़ होना है। तो ये मैं खेत से सूखा हुआ घास लेके आया हूँ और बाकी मेरे पास है चीज़ें। तो चले फिर छत पे चलते हैं और अपने पास को न्यू घर बना के देते हैं। तो ये हमने नीचे रखे हुए थे ताकि इन्हें सर्दी से बचाया जा सके। छत पे थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है और इसी वजह से हम नीचे लेकर आए थे, अभी दोबारा छत पे लेके जाते हैं। तो अब जो है ना इनको बाहर निकाल लेते हैं थोड़ा, ताकि इनके जो केज की वह सेटिंग वो की जा सके। पहले इनको बाहर निकाल लो। तो माशाल्लाह से काफ़ी मासूम परिंदे हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये बोलते हैं जब यार इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी, बोलते कम है लेकिन आवाज़ इनकी काफ़ी खूबसूरत है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें भाई, ये देख, ओ वाह माशाल्लाह। और ये देखें ये फीमेल, ये देखें जी, पकड़ो भाई पकड़ो 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 पकड़ो, ये देखो काफ़ी खुश हुए हैं यार इन्हें बाहर निकाला। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें यार दाना वगैरह चुग रहे हैं और काफ़ी हैप्पी हैं। और अभी हम जो है ना इनके केज की सेटिंग साथ साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना इनका जो हमने अपने न्यू ऑस्ट्रेलियन पैरट के लिए लेकर आए थे, जो हम ये केज ये अंडे वगैरह देने के लिए मटका, वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं रह सके, तो ये हमने वहाँ पर लगा दिया था। तो अब जो है ना ये हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया एक, तो अब इनका न्यू घर जो है ना वो हम बनाएंगे, क्योंकि ये इस बॉक्स में ये ब्रीडिंग नहीं करते। तो किसी भाई ने हमने हमें गाइड किया था कि इनके लिए जो है ना ओपन ऊपर से जो होगा ना नेस्ट वगैरह नेस्ट, वहाँ पर ये ब्रीडिंग करते हैं। तो अब हम ओपनली बनाने जा रहे हैं। तो ये देखें ये एक हमने घर से ले लिया बर्तन छोटा सा प्लास्टिक का, अब ये इसे अंदर रखेंगे यहाँ, हाँ यहाँ ठीक रहेगा, स्टिक के बिल्कुल सामने, स्टिक के सामने। तो अब दोनों साइड पर जो है ना वो तार लगा के जो हम इसको यहाँ पर टांग देते हैं, लटका देते हैं यार टांग ही कहते हैं और क्या कहते हैं भाई। ये नेस्ट और हमारे ये डव डायमंड डव पसंद आया होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो फिर मिलेंगे अपने प्यारे से परिंदों के साथ। अल्लाह हाफिज़।